हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एकेडमी। और TOC की ये कंप्लीट सीरीज आप लोग देख रहे हो और वहां पे मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ DFA के बारे में। DFA मीन्स डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, वहां जहां पे मैं हर एक इनपुट सिंबल से हर एक ट्रांजिशन जो है वो आउट करता हूँ। ठीक है, सो गाइज, DFA जो है तो वो बनाना है, तो उस बनाने के पीछे भी एक मकसद होता है कि वो जो DFA है वो मिनिमल होना चाहिए, यानी आपका जो DFA हो वो मिनिमम स्टेट्स कंज्यूम करे। ठीक है, जो मिनिमल स्टेट DFA होता है वो यूनिक होता है, ताकि उसका जो भी है लाइक नंबर ऑफ स्टेट्स की हम बात करें तो वो यूनिक रहेगे फॉर एवरीवन। ठीक है, सो गाइज, अगर आप DFA बनाना चाहते हो तो नंबर ऑफ तरीके से आप DFA बना सकते हो, बट यूनिक DFA सिर्फ आपका मिनिमल DFA ही रहेगा जो कि सबका सेम आएगा। तो गाइज, मिनिमल DFA के ऊपर ही मुझे फोकस करना है। अभी तक ने हमने काफी वेरिएशंस के प्रॉब्लम डिस्कस किए गए हैं, जहां पे सिंगल कंडीशन डबल कंडीशंस के ऊपर मैंने डिस्कस किया, बट आज कुछ थोड़ा नया टॉपिक है और नए कुछ प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं। बहरहाल, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशंस आपको बेल आइकॉन पे क्लिक करने के बाद ही मिलेंगे। देन इस प्रॉब्लम में क्या है वो सबसे पहले देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा, वही पूछा जाता है हमेशा, मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा ही पूछा जाएगा, दैट इज आपको DFA निकालना है। यहाँ पे डायरेक्टली DFA बोला नहीं गया है, मिनिमल फाइनाइट ऑटोमेटा बोला गया है, तो आपको DFA ही निकालना है जो कि मिनिमल हो। ओके, देन दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ ANB, यानी ANB मेरा जो है वो इनपुट अल्फाबेट्स है, लाइक सिग्मा इज इक्वल्स टू ANB, तो ए जो भी स्ट्रिंग बनेगी वो ए और बी के कॉम्बिनेशन में बनेगी। कंडीशन दिए गए हैं, तीन कंडीशन है, बट वन बाय वन उसकी मुझे सॉल्व करना है। लाइक सेकंड सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट एंड इज ए। ठीक है, अभी सेकंड सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट एंड ए मींस हर एक सेकंड सिंबल जो है वो ए होना चाहिए। अगर वो ए है तो मैं फाइनल स्टेट में जाऊंगा, अदरवाइज नहीं जाऊंगा। लाइक अगर वो सेकंड सिंबल बी है तो मुझे डेड स्टेट में जाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि आगे जाके सेकंड सिंबल थोड़ी ना ए आने वाला है, क्योंकि सेकंड सिंबल तो ए सेकंड सिंबल सेकंड सिंबल ही रहेगा, ताकि आपको सेकंड सिंबल ए ही होना जरूरी है। तो गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ऑब्जर्व करना है कि डेड स्टेट का कंसेप्ट जो है वो आने वाला है। कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं स्ट्रिंग्स ले लेता हूँ, लाइक ए जहां पे सेकंड सिंबल ए है, लाइक BA BA यहाँ पे भी सेकंड सिंबल ए है, लाइक ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स में बना सकता हूँ जहां पे जो सेकंड सिंबल जो है वो ए होना चाहिए। तो काफी आसान है, मैं फर्स्ट की डायग्राम यहाँ पे निकाल रहा हूँ। अब देखिएगा, Q0 पे मेरी इनिशियल स्टेट है, देन फर्स्ट सिंबल मेरा कुछ भी हो सकता है, चाहे ए हो या बी हो, मुझे उसे नहीं देखना। दैट्स वाई Q0 से ए निकले या बी निकले, मुझे उसके लिए कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। बट हाँ, सेकंड सिंबल मेरा बोला गया है कि वो कंपलसरी ए ही चाहिए, दैट्स वाई मैं यहाँ पे सेकंड सिंबल ए मिला तो फाइनल स्टेट पे जाऊंगा, दैट इज Q2 मेरी फाइनल स्टेट हो जाएगी। अगर मेरा सेकंड सिंबल ए है, उसके बाद कुछ भी आए मुझे उसको उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट ही करना है, दैट्स वाई Q2 का ए और बी जो है वो सेल्फ लूप लगेगा। ठीक है, क्योंकि ए एक बार मुझे मिल गया सेकंड सिंबल तो कुछ भी आ सकता है, बट यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि Q1 का बी जो है वो कहाँ जाएगा। तो Q1 का बी बहुत आसान है, अगर सेकंड सिंबल ए नहीं है बी है, सो गाइस इसके आगे भी वो स्ट्रिंग मुझे एक्सेप्ट नहीं करनी है, दैट मींस मुझे डेड स्टेट में जाना है। तो डेड स्टेट यहाँ पे हम निकाल लेते हैं QD। तो Q1 का B जो है वो QD में जाएगा, एंड देन QD के बाद अगर एक बार मैं QD यानी डेड स्टेट में मैं पहुंच जाता हूँ, तो उसके बाद कुछ भी आए मुझे उसको रिजेक्ट करना है, दैट्स वाई यहाँ पे सेल्फ लूप लगेगा A और B का। तो गाइस, काफी सिंपल है इस डायग्राम को बनाना, जहां पे सेकंड सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट बोला गया है इज ए। लेफ्ट हैंड मीन्स आप लोग पता है लाइक दिस, फ्रॉम यहां से आपको देखना है लेफ्ट हैंड की तरफ से आपको देखना है सेकंड सिंबल। नाउ सेकंड कंडीशन कुछ है, सेकंड जो प्रॉब्लम है उसमें बोला गया है थर्ड सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट इज बी। तो थर्ड सिंबल के लिए मैं यहाँ पे सेकंड की डायग्राम बना रहा हूं, यहाँ पे सेकंड की डायग्राम। तो फर्स्ट कुछ भी आए मुझे नहीं देखना उसको, लाइक फर्स्ट जो है वो ए बी आ सकता है, सेकंड भी कुछ भी आ सकता है, ए या बी आ सकता है, Q1 Q2। ठीक है,
देन थर्ड सिंबल जो है उसको बोला गया है कि वो बी ही होना चाहिए, दैट्स व्हाई थर्ड सिंबल के लिए हम बी का ट्रांजिशन निकाल लेते हैं, Q3 पे जाएगा और Q3 के फाइनल स्टेट रहेगी, क्योंकि एक बार थर्ड सिंबल जो है अगर मुझे बी मिल जाता है तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ फाइनल में। सो गाइज यहाँ पे उसके बाद कुछ भी आएगा ए और बी, मुझे उसको एक्सेप्ट ही करना है। बट हाँ, अगर थर्ड सिंबल बी नहीं है तो मुझे उस स्ट्रिंग को रिजेक्ट करना पड़ेगा। रिजेक्ट कैसे करते हैं, तो डेड स्टेट बना के। तो यहाँ पे एक QD नाम की डेड स्टेट बनेगी जहाँ पे इसका ए जाएगा, ठीक है। एक बार डेड स्टेट पे चले गए उसके बाद ए आए या बी आए, मुझे उसको डेड स्टेट पे ही रखना है। सो गाइज ये हुआ आपका सेकंड का प्रॉप सॉल्यूशन, जहाँ पे आप देख सकते होंगे ये कंप्लीट DFA है, हर एक स्टेट से ए और बी का जो है ट्रांजिशन निकला हुआ है। गाइज सेकंड थर्ड देखते हैं, थर्ड बोला गया है फिफ्थ सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट इज ए, फिफ्थ सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट इज ए। तो गाइज मैं इसके डायग्राम यहां पे बना दे रहा हूं। थर्ड फिफ्थ सिंबल के लिए आपको सबसे पहले इनिशियल स्टेट Q0 बनाना पड़ेगा, देन फर्स्ट सिंबल ए या बी कुछ भी रह सकता है, Q1 पे जा रहा हूं मैं, देन सेकंड सिंबल ए और बी कुछ भी रह सकता है, मैं Q2 पे जा रहा हूं, देन थर्ड सिंबल मेरा ए और बी कुछ भी रह सकता है, Q3 पे जा रहा हूं ए और बी, देन फोर्थ सिंबल भी जो है वो मेरा कुछ भी रह सकता है, दैट्स व्हाई फोर्थ सिंबल मैं यहां से नीचे जा रहा हूं ए या बी Q4 पे। देन आपको बोला गया है फिफ्थ सिंबल जो है वो ए होना जरूरी है, फिफ्थ सिंबल जो है वो ए होना जरूरी है, दैट्स व्हाई यहां पे मुझे फिफ्थ सिंबल के बारे में देखना पड़ेगा कि वो ए है या नहीं। अगर वो फिफ्थ सिंबल ए है तो Q5 नाम के मैं फाइनल स्टेट पे चले जाऊंगा, एंड उसके बाद अगर कुछ भी आता है तो मुझे उसको एक्सेप्ट ही करना है। नाउ स्ट्रिंग को रिजेक्ट कब करेंगे, अगर फिफ्थ सिंबल जो है वो ए के अलावा कुछ अलग है, लाइक बी है, क्योंकि ए और बी से ही मेरी स्ट्रिंग बन रही है। तो गाइज यहाँ पे अगर आपका ए आया तो मैं फाइनल पे जा रहा हूं, बट अगर बी आता है तो मुझे डेड स्टेट पे जाना है, डेड स्टेट में यहाँ पे बना लेता हूँ QD, ठीक है। बी आने पे अगर एक बार मैं QD पे चला जाता हूं तो उसके बाद ए आए या बी आए मुझे QD पे ही रहना है। सो गाइज इस तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम पूछा गया है जहां से लेफ्ट एंड से किसी सिंबल को अगर फिक्स्ड किया जाता है तो आप लोगों के इस तरीके से डायग्राम निकालनी है। इसका गाइज एक फॉर्मूला भी मैं बना सकता हूं कि मान लो कि लेफ्ट एंड से अगर कोई सिंबल जो है वो फिक्स्ड है आप लोगों का, तो आप लोगों को किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो गाइज आप देख सकते होगे अगर यहाँ पे लेफ्ट एंड से सेकंड सिंबल जो है वो ए बोला गया है, मींस फिक्स्ड है, तो दैट्स व्हाई सेकंड सिंबल जो है वो हम देखते हैं ए। तो यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी आ रही है आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स जो आ रही है वो 4 आ रही है। यहाँ पे सेकंड थर्ड सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट बोला गया है तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, तो 5 आ रही है। यहाँ पे फिफ्थ सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट एंड बोला गया है ए, यानी फिफ्थ सिंबल फ्रॉम लेफ्ट एंड फिक्स है, तो आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी आ रही है, 7 स्टेट्स आ रही है, 7 स्टेट। तो आप लोग गाइस इसके ऊपर से एक फॉर्मूला बना सकते हो, क्योंकि अगर आपको लेफ्ट एंड से nth एलिमेंट अगर पूछा गया है तो आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी आएगी, तो n+2 आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको लेफ्ट साइड से nth सिंबल अगर फिक्स्ड किया है तो आपका जो मिनिमल DFA बनेगा वो n+2 लेंथ का बनेगा। तो गाइज आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्मूलेज में जनरेट कर सकता हूं। अगर आप फॉर्मूलाज भूल जाते हो या तो फिर फॉर्मूला कहीं तो भी आप भूल के कुछ और ध्यान में आ जाता है तो आप लोग गलत कर सकते हो एग्जाम में। सो गाइज एग्जाम में इस तरीके की डायग्राम निकालने के लिए हार्डली 30 सेकंड्स या 20 सेकंड्स ही लगते हैं। सो गाइज मैं हमेशा आपको रेफर करूंगा कि फॉर्मूला तो ध्यान रख सकते होगे तो वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं भी रखोगे और आपको डायग्राम निकालने आना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर आप डायग्राम निकाल सकते हो तो फॉर्मूला ज्यादा कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फॉर्मूला ध्यान में भी है तो स्टिल भी आप डायग्राम निकाल के इस बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए फॉर्मूला बहुत आएंगे इस सब्जेक्ट में और बहुत सारे फॉर्मूला कभी कभी आप कंफ्यूज भी हो जाओगे और उस कंफ्यूजन के चक्कर में आप लोगों को कभी कभी गलत कर दोगे। ये प्रॉब्लम्स काफी आसान है, आप गलती से भी इसको गलत मत कीजिएगा। एंड
अगर इस तरीके के फॉर्मूले अगर आपको आते हैं, स्टिल आपको डायग्राम निकाल के देखनी है। डायग्राम निकालने के लिए हार्डली 20 सेकंड लगते हैं, और 20 सेकंड पे अगर आपको मार्क्स मिल रहे हैं तो गाइज हमेशा डायग्राम आप निकाल के देखिए, एंड देन उसके बाद ही आप क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो टीओसी में तो काफी फॉर्मूले बन सकते हैं, हर न्यूमेरिकल के ऊपर फॉर्मूला बन सकता है। तो इतने फॉर्मूले आपको याद नहीं रखना है गाइज, आप लोग डायग्राम निकालना सीख लीजिए। जितना जल्दी आप डायग्राम निकालोगे उतने जल्दी आपका आंसर आएगा। सो गाइज इस तरीके के और भी प्रॉब्लम हम लेने वाले हैं। कीप वॉचिंग माई वीडियोज, और आने वाले लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।